प्यारे दोस्तों, ये हर्षी मेहता रचित जो 17वीं शताब्दी में एक भजन लिखा गया था, जिसे सभी को समझना चाहिए और सोचना चाहिए और जीवन में अमल करना चाहिए, उसका नाम है वैष्णव जन। अब कभी भी राजघाट जाएंगे तो हे राम लिखा हुआ है और गांधी के समाधि पर हमेशा ये भजन गुनगुनाता रहता है, क्योंकि इसमें ज्ञान के असीम सागर हैं, पूरी इसमें योग विद्या है, इसमें साधना और तपस्या है। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो मन अभिमान ना आने रे, सहज लोक मां सौने बंदे निंदा न करे कैनी रे, बाच काच मन निश्चल लाखे धन धन जननी तेनी रे, समदृष्टि ने तृष्णा चागी पर स्त्री जैनी मात्रे, जिहवा थकी असत्य ने बोले पर धन नौ धाले हाथ रे, मोहमाया व्यापे नहीं ये दुर्भाग जिन वन मर रे, सकल लोक सुतानी लागी राम नाम सुतानी लागी, सकल तीरथ तीन तरमा रे, वन लोभी से कपट रही छे काम क्रोध निवारा रे, भन नरसहियो तिने दर्शन करता कुले को तुन तारा रे। प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन की धुरी चलती है हमारे विचारों से, हम वही हैं जो हम सोचते हैं, सारे ज्ञानी महापुरुषों ने कह के चला गया। इसीलिए तो हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन का मतलब है धारणा, सच्चे विचारों को मस्तिष्क में धारण करो, ध्यान लगाओ उस पर और जीवन के हर कण कण में, हर रोम रोम में, अपने DNA में उसे बैठा लो, फिर तुम महान बन जाओगे। तो चलो ये भजन सुन लो, ये भजन बहुत ही आनंददायक है, सुनो। वैष्णव जन तो एनर कहिए रे, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तुए मन अभिमान नाने रे, वैष्णव जन तो एनर कहिए रे, पीर पराई अच्छा विचार है। दिमाग बैठाओ, दिखाओ माँ सहुने बंदे निंदा न करे के नीरे, वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी के नीरे, वैष्णव जन तेन रे कही निंदा स्थिति दोनों त्यागे काम क्रोध निवारा रे, अप्रिशिएट एवरीवन, रिस्पेक्ट एवरीवन, बिकम ए ग्रेट मैन, डोंट फाइंड फॉल्ट विद हिम। सृष्टि ने कृष्णा त्यागे पर स्त्री देवी माते रे, जीवात की असत्य न बोले पर धन न में चाले हाथ रे, वैष्णव जन तेनर कहिए रे, पीर पराई जाने रे। दूसरे के लिए फीलिंग पैदा करो, पराई का पीर देखो, वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, निस्वार्थ ही बनो, कल्याणकारी। माया प्यापे नहीं जेने दुर्वैराग बिना मन मारे, राम नाम तानी लागे सकल तीरथ तीन तन मारे। देखो भाई, राम नाम का मतलब है कर्मवीर बनो, ये राम राम जपना पराया धान अपना, इसे काम करो, कर्म भी बनो। राम का मतलब है सत्य, सत्य के रास्ते चल के जीवन में सूर्य की तरह प्रखर रोशनी पैदा करो, बुद्धि प्रखर करो, ये मतलब है राम नाम सुल्तानी लागे और राम राम करने से कुछ नहीं होगा, घंटा नहीं मिलने वाला, कर्म भी बनो मेरी तरह।
कपट रहित छे काम क्रोध निवारे नरसियो ते दर्शन करता तुले को तारा रे वैष्णव जन तेने कही दे पीड पराई जाने रे। प्यारे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही है कि मनुष्य की जो बुद्धि है वो सबसे सर्वशक्तिमान है और जो हम सोचते हैं वही हो जाते हैं। तो जो हम सोचते हैं वो सत्य सोचे, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया प्रेम और प्रवाह योग विद्या में सिखाया गया है, पतंजलि योग सूत्र में सिखाया गया है, बुद्ध ने 8-4-5 सिखाया है और हर्षि मेहता भी सिखाए। अगर अंग्रेजी की दुनिया में जाओगे तो मैं अंग्रेजी का विद्वान हूँ और इसीलिए बताता हूँ कि इफ बाय रुडयार्ड किपलिंग, उसमें भी अनेक ज्ञान के स्रोत हैं। इसके बाद डिसिडेटा बाय मैक्स अर्मेन, उसमें भी ज्ञान के स्रोत हैं। तो बहुत कवियों ने, जैसे तुलसीदास हो, सूरदास हो, सूरदास की काली कामरी चरण दूजो रंग छाड़ी मन हरि भुवन के संग। प्यारे दोस्तों, पानी में मैन प्यासी मुझे देख बाता हासी, कबीरदास ने भी कहा मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कालाश में, ना मैं व्रत में ना मैं तप में ना काबे ना 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 मैं एकांत निवास में, खोजी हो तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में, मैं तो हूँ विश्वास, विश्वास करो, कर्मवीर बनो पुरुषोत्तम बनो, दिमाग को खाली स्थान मत दो नहीं तो ये शैतान का अड्डा बन जाएगा। मैं माता पिताओं से अनुरोध करता हूँ, अगर देश को महान बनाना है तो देश की नागरिकों को महान बनाओ, सबको ज्ञान की बात सिखा दो और मेडिटेशन करो, धारणा ध्यान से अपने मस्तिष्क में भूसा जो कुविचार है काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष कला, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रीड एंगर हेटेड जेलसी एंड सिनिकल थॉट्स, इसको निकाल के भर दे उसमें ट्रूथ जस्टिस पीस लव एंड नॉन वायलेंस काइंडनेस कंपैशन ऑनेस्टी इंटीग्रिटी ह्यूमिलिटी जेनरोसिटी, हिंदी में बोलते हैं सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया प्रेम का प्रवाह भर दे, अज्ञान का अंधकार से दूर हो जा। गायत्री मंत्र में वही कहा है मेरी बुद्धि को प्रखर करो कि सत्य दिखे मैं असदो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योति गम्य मृत्यु माँ मृतम गम्य, असत्य से सत्य की ओर अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से मृत्यु को ले चलो और सर्व बंधु सुखना वसुधैव कुटुंबकम आत्म सर्वोदेश। सीखोगे क्या? अरे हम कुछ लोग सीखे हुए हैं हिंदुस्तान में, आप भी सीखे हुए हो सकते हो, आपको नमन करता हूँ और जो उन्होंने सीखे हैं उनको आग्रह निवेदन करता हूँ कि तुम्हें तभी शांति मिलेगी जब इस शांति के पथ पर चलोगे। बुद्ध ने सिखाया, विवेक ने सिखाया, अनेक ज्ञानी महापुरुषों ने तुम्हें रास्ते दिखा दिए, चलेगा तो तुम ही ना। धन्यवाद।